जो एरिया देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये शिनकारा है। हमारे कोविन से ये हार्डली 9 किलोमीटर है और बेलग्रेड से अराउंड 52 और ऐड कर दीजिए। ओके, तो लोग क्या करते हैं गर्मियों के टाइम पे यहाँ पर इसमें स्विमिंग करते हैं किनारे पे बैठ के अपना, और ये डेन्यूब का बैक वाटर आ रखा है। यहाँ पर फिशिंग करते हैं लोग, और अभी क्या हम लोग तो यहाँ पर मंथली 1 से 2 बार आ जाते हैं। बिल्कुल नेचर के बीच में है और ये सामने एक कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उधर देख पूरा स्विमिंग पूल, हाँ ये बन रहा है यहाँ पर। तो इसके बाद बोलते हैं कि यहाँ काफी लोग इसको स्विमिंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो लोग करते हैं स्विमिंग थोड़ा सा कुछ पॉइंट ऐसा है जहाँ खतरा है। ओके, तो लास्ट ईयर कुछ डेथ भी हुई थी एक किसी की यहाँ पर, उसके बाद से ये जगह जगह बोर्ड लगा दिए इन्होंने, पीपल आर नॉट अलाउड टू स्विम देयर। ओके, बट अभी तो ये ऑटम का ऑलमोस्ट सारे पत्ते झड़ चुके हैं और आपको अदरवाइज व्यू इट्स अमेजिंग। अदरवाइज जो ये सामने वाटर थोड़ा सा अगर आप आगे आकर देखेंगे, ये जो है एक सेक्शन ये बना हुआ है, इस जगह का नाम है शिनकारा पूरे एरिया का, जो कि फॉरेस्ट के बीच में घिरा हुआ है सारी तरफ से। गर्मियों के टाइम पे यहाँ पर बिल्कुल नीला पानी मिलेगा, ऊपर पूरा लश ग्रीन। और एक इंटरेस्टिंग चीज, जब अभी माइनस में टेम्परेचर जाएगा तो ये सब यहाँ पर जम जाता है। अमेजिंग तो बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है और लोकल लोगों के लिए, बिकॉज उन लोगों को जो आसपास के लोग हैं कोविन के, उनके हिसाब से ये जगह बना रखी है। करेक्ट। और आज बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों ने देखा हुआ नहीं था आज आए हैं। हमारे एम्बेसी वाले लोगों के संग पिकनिक सब यही हुआ करते थे मोस्टली। बहुत अच्छी, बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है सब। शायद इसकी ब्यूटी वो कैमरे में नजर नहीं आ रही होगी आपको, नहीं जा सकती, वो चीज कैप्चर हो नहीं सकती, तो इसीलिए सर्बिया आइए, बेलग्रेड आइए, और बेलग्रेड के बाद कोविन आइए। कोविन फॉर इंडियन लंच। यस, बिल्कुल बढ़िया मिलेगा, शुद्ध है ना। यस यस। और अब आप तो रिच हमेशा ही आओगी ही अब, बिल्कुल तो। अरे डेफिनेटली है ना, बिल्कुल मायका समझ के चले आना सीरियसली, बिल्कुल। इस पूल में हमने खूब फोटो खींच रखी है कूदते हुए पूरा जंप करते हुए, तो ये इस तरीके से जो है ना, ये लोग यहाँ पे स्विमिंग कर रहे हैं। शेप देखो इसकी कितनी बढ़िया, बहुत सुंदर, सीरियसली बहुत अच्छी शेप। छोटा एक टाइप का सा वो स्ट्रक्चर करके नीचे ये जो कनाल जा रही है, हाँ। बिल्कुल उसको राइट ओके, तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं मशरूम फैक्ट्री, और बेलगन का जो है सबसे बड़ा जो मशरूम प्लांट है वो यही प्लांट है, अकेला प्लांट है। और मेरे से कुछ लोगों ने पूछा था रिचा कि आप लोग कोविन में क्या करते हो और क्यों आए हो, तो कारण है ये इतनी बड़ी फैक्ट्री, इसको अभी आपको रिचा टूर देंगे। और सुनील जी मेरे हस्बैंड जो है वो यहाँ डायरेक्टर है, और इस जगह को वो तब से ये जो लैंड ली गई थी यहाँ के लिए, फिर प्लांट लगना शुरू हुआ, फिर जो मैन पिकिंग मशरूम जो लगानी थी जो लोग अपने आप करते थे, उस प्लांट के 40 कमरों से लेके और जो नया बना है ये पूरा मशीन से ऑटोमेटिक प्लांट, ये सब काम पिछले 6 से 7 साल के अंदर किया गया है। तो अभी आप देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको एक बार ऐसे दिखा देती हूं, ये देखो आप कितना बड़ा प्लांट है ये। उधर जो आप देख रहे हैं वो पुराना सेक्शन है, उधर जो वो वाला, राइट, ओके, अभी भी लगती है मशीन, और ये पूरा ऑफिस का एरिया है और अंदर फैक्ट्री है जहाँ फ्रोजन किया जाता है, उसमें भी आपको लेकर चलेंगे। और इधर जो है ये सारा हॉलैंड की टेक्निक से लगा हुआ है। नाइस, सामने जो नाइस जो ये अंदर देख के आपको पता लगेगा, तो मेट्रो लिडल सब जगह यही से आसपास की कंट्रीज में, रोमानिया जाती है, हॉलैंड जाती है,
मैसेडोनिया जाती है और फ्रोजन के लिए रशिया जाती है। okay. तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मौसम भी देखो, मौसम ठंड है लेकिन मजेदार मौसम है काफी। वही अपनों के साथ ठंड नहीं लग। और एक चीज जैसे मशरूम का काम जहाँ होता है ना बहुत डर्टी होता है वहाँ, लेकिन बोलते हैं ना जैसे कि कमल कीचड़ में खिलता है, ऐसे ही मशरूम भी जो है अभी देखना आप अंदर कितनी वो काली केसिंग होती है। एग्जैक्टली अच्छा? हाँ तो okay. देखेंगे आपको। चलिए तो हम थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं क्योंकि सर आगे हैं और मुझे उन्हें जाके पकड़ना है ताकि मैं जितनी नॉलेज हो सके उतना मैं आप लोगों के लिए गैदर कर सकूं। ये स्टार्टिंग स्टेज है। 6 दिन के बाद इसमें आपको सारे में मशरूम ही दिखेंगे। ये फर्स्ट स्टेज है। okay. ये मशरूम की ग्रोथ है अभी इसमें बिल्कुल छोटे 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 कहीं दिखेंगे बीच में इक्का दुका मगर आगे दिखेंगे इसमें। तो बेसिकली 6 दिन के बाद और केसिंग है ये और इसमें सीड डाल दिया है। ये जो हिस्सा है ये कंपोस्ट है नीचे और ये काला काला जो दिख रहा है इसको केसिंग सॉइल बोलते हैं। ओके नाइस। इस कंपोस्ट से न्यूट्रिशन आता है और ये जो केसिंग सॉइल होती है ये वाटर रिजर्वायर होता है। इसको हमेशा मॉइस्ट रहना पड़ता है। इसमें ह्यूमिडिटी 80% हमेशा रहनी चाहिए। 80% इसीलिए कमरा गीला कर रखा हो और ये ऊपर से एयर फ्लो चलता है और ये सारा कंप्यूटर से कंट्रोल है पूरा। बिल्कुल स्टार्टिंग उससे दिखाया गया है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग उससे है। ये सामने कंप्यूटर रखा हुआ है यहाँ पे कंट्रोल रखा है। वो सामने जो है सारा सेंट्रलाइज कंप्यूटर है। एंड इट्स स्मॉल मे बी इन डे आफ्टर टुमारो इट विल बी फुल। ऑयस्टर मशरूम देवर हैविंग दिस दीज आर आई थिंक पोर्टाबेला। यस दिस इज पोर्टाबेला। नो शिटाके सॉरी दिस इज शिटाके मशरूम। यू कैन कीप दिस फॉर लॉन्ग। दीज आर ब्राउन मशरूम। फ्रिज इट प्रोसेस। हेलो रमजान। These mushrooms are packed up for supermarket. Nice. Yeah, they're waiting now. Yeah. I think that. Okay, so the lunch is all set. It's all ready now. Salad, chole, matar mushroom, paneer, rice, chapati, raita. Okay, now it's a time to say goodbye. Bye-bye, thank you so much for hosting us and bahut acha laga yahan par aana. Thanks for coming and you are always welcome here. Thank we you. Had a lot of fun today. Aur hum logon ne kafi acha acha khana khaya, kafi enjoy kiya, kafi sari reels banayi. Agar aap logon ko wo reels dekhni hai to hame follow kare aur in sab ke Instagram ID main usme description box mein dal dungi to sab jaiye aur jaake hame follow kare aur hamare reels ko dekhe aur reels ko dekhe like kare, comment kare, share kare plus hamara channel dekhte rahiye aur stay tuned with us. But just sling ring but the tidies and tune in, see you in the next video. Till then take care and bye bye.
हैप्पी दिवाली।